अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बदलिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पांव में, पलकों की छांव में, हो पलकों की छांव में। श्याम बहादुर, श्याम बहादुर, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे वहां गाय घर में अनाज की बोरियां क्यों रखी हुई है? वो निकाल कर गोदाम में रखवा दो, जाओ। हाँ अभी रखते हैं। दादी मामा अभी आए। घर में दो दो शादियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए अम्मा। हाँ बहू, शादी के घर में हर काम समय पे होना चाहिए। और हाँ, सुनार को भी बुलवा लो, भाई गहने पसंद कर लो। अरे हाँ, मैं अभी कर देती हूँ। मालकिन, आपको पता है कल गांव में क्या हुआ? क्या हुआ? वो सुमन दीदी, क्या हुआ सुमन को? वो कल रात से घर से गायब है। क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? सच कह रहे हैं ठकुराइन, पूरे गांव भर में दूर दूर तक उनका कुछ अता पता नहीं है। उनके गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लग गई है। बेचारे देवेंद्र चाचा कल रात से उन्हें गलियों में चौराहों में ढूंढते फिर रहे थे। अब मैं चलती हूँ। हे भगवान। ऐसे कैसे चली गई? क्या पता? कार्तिक, तुम्हें पता है? सुमन घर छोड़ के चली गई। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। मुझे लगता है अब हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। माँ, वो कंचन के ससुराल वाले कल शगुन लेकर आएंगे, सारी तैयारियां जल्दी करनी पड़ेंगी। जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो। अच्छा माँ, अभी आई। कार्तिक जी को तो हमेशा सुमन की बहुत फिक्र रहती थी, फिर आज वो सुमन के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर इतना शांत कैसे रह गए? एक ही दिन में इतना बदलाव कैसे आ सकता है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सुमन का कहीं कुछ पता चला प्रभु? नहीं माँ, सुमन के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, कहाँ चली गई होगी सुमन? किसी से कोई शिकायत थी तो उसे बात करनी चाहिए थी। घर छोड़कर क्यों चली गई? पता नहीं किस हाल में कहाँ होगी सुमन। आ, 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 आ,
नमस्कार डॉक्टर ठाकुर साहब। बैठिए। ठाकुर साहब, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे ये पूछने आए हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आपकी बहू गांव छोड़कर चली गई, इस बात से हमारे गांव की कितनी बदनामी हो रही है। लोग तो यही कह रहे हैं कि हम गांव वाले अपनी विधवा बहू का ध्यान नहीं रख सके। आसपास के गांव वालों को हमारे गांव पर उंगली उठाने का मौका दिया है आपके परिवार ने। इतनी बड़ी हवेली है, इतने संपन्न और संस्कारी हैं आप लोग, इसके बावजूद जवान विधवा बहू को छोड़ दिया अकेले भटकने के लिए। देखिए, इस दुख में आप हमदर्दी नहीं जता सकते तो कम से कम ताने तो मत मारिए। ठाकुरायन जी, यदि गांव की इज्जत पर आंच आएगी तो गांव वाले चुप नहीं रह सकते। आप तो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, फिर आप ये सब रोकते क्यों नहीं? क्या है कि ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, हम सुलझा लेंगे इसको, आप फिक्र मत कीजिए। क्या ठाकुर साहब, आप हर बार घर का मामला कहकर हमें चुप करा देते हैं। अब ये आपके घर का मामला नहीं, पूरे गांव का मामला है, पूरे गांव की मान मर्यादा का सवाल है। ठाकुर साहब, हम आपके परिवार की इज्जत करते हैं, अगर आपकी जगह कोई दूसरा परिवार होता तो अब तक पंचायत बैठ चुकी होती। चलो भाइयों, अम्मा वो कंचन के ससुराल वाले कल आ रहे हैं शगुन लेकर। हमारी तरफ से तो सारी तैयारी हो गई है, एक बार आप भी देख लीजिए ना। ठीक है बहू। क्या बात है बाबूजी, आप खुश नहीं हुए? पहले तुम बताओ बहू, सुमन गांव छोड़ के चली गई, इस बात का तुम्हें जरा भी दुख है या नहीं? नहीं। लेकिन हमें दुख है, इतना दुख है कि जो खुशखबरी तुम लेकर आई हो उस खुशी का रंग भी उस दुख के सामने फीका पड़ गया है। तुम बताओ किस बात की खुशी मनाएं हम? इस बात की कि सारे गांव वाले हम पर थू थू कर रहे हैं, या इस बात की खुशी मनाएं कि सारे गांव वाले हमें देखकर हंस रहे हैं, या फिर इस बात की खुशी मनाएं कि हमारी बहू गांव छोड़ के चली गई है? अब आप बस भी कीजिए। क्या बस करूं, मेरे बस में कुछ है ही कहां। तुम्हें पता है बहू, सुमन के गांव छोड़कर जाने का कारण कौन है? तुम, मैं, हम सब के सब, हम सब ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाला है। भरे पूरे परिवार के होते हुए भी वो इतनी अलग थलग, इतनी अकेली पड़ गई थी कि गांव छोड़ के नहीं जाती तो क्या करती बेचारी। तुम्हें किसी किस्म का कोई दुख ना पहुंचे, बस यही चिंता खाती रही हमें। तुम्हारे मोह में हम सब के सब इतने अंधे हो गए थे कि उस दूसरी बहू के साथ क्या हो रहा है, उसका अधिकार कैसे छीना जा रहा है, इस बात की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं गया। वो पल पल घुटती रही और हम उसे नजरअंदाज करते रहे। जो अधिकार तुम्हारा इस घर पर है वही अधिकार उसका भी है, लेकिन उसके अधिकार को हम लोगों ने छीन लिया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। प्रभु, मुझसे तो बच्चों की हालत देखी नहीं जाती,
रो रो के बुरा हाल हो गया है दोनों का। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, क्या करूं, कैसे समझाऊं इन्हें। अब ये किसे पता था कि सुमन इस तरह घर छोड़ के चली जाएगी। अच्छा खासा घर संभाल लिया था उसने, फिर तुझे क्या जल्दबाजी हो गई थी शादी की बात करने की। मैं औरत हूं, औरत के मन की बात को समझ सकती हूँ। सुमन के मन में अभी भी पहला पति बसा हुआ है, जब तक वो उसे भूलेगी नहीं दूसरी शादी की बात वो सोच भी नहीं सकती। तूने जल्दबाजी कर दी, जरा सा सब्र किया होता तो जैसा तू चाह रहा था वैसा ही होता। मुझे पूरा विश्वास है वो उसी बात से दुखी होकर घर छोड़कर गई है। किस बात से दुखी होकर सुमन ने घर छोड़ा है? बताओ प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जिसने सुमन को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? बताओ प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं नहीं जानता? वो माँ कह रही थी कि तुम्हारी वजह से सुमन ये घर छोड़कर चली गई। देव, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी बात से दुखी होकर ही वो घर छोड़कर चली गई। तुमने उस पर दबाव डाला था ना दूसरी शादी के लिए, तो माँ कह रही थी कि अभी भी सुमन के मन में करण है, इसलिए इतनी जल्दी वो दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। तुम्हारे डाले हुए दबाव की वजह से ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया देव। मुझे माफ कर दो सुमन। अगर मेरी बात इतनी बुरी लगी थी मुझसे कहा होता बेटा, घर छोड़ के क्यों चली गई? इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। खुद को संभालो दोस्त। हेलो। हेलो। हाँ कार्तिक जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सुमन जी से बात हो सकती है? जी एक मिनट। सुमन, सुमन। हाँ, कार्तिक जी का फोन है। हेलो सुमन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपकी बात भोपाल यूनिवर्सिटी में की थी और वहाँ के प्रिंसिपल तो आपके सर्टिफिकेट देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए, बल्कि आज शाम तक तो आपका जॉइनिंग लेटर भी आ जाएगा। थैंक्स कार्तिक जी, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने कोई उपकार थोड़ी किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, परेशानियों से दूर रहें। तो मैं शाम को आऊँगा तो मैं लेटर लेता आऊँगा, फिर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। जी। क्या हुआ, आप हमें देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? नहीं नहीं
ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हमें आपसे सुमन के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। क्या आपको पता है कि सुमन कहाँ गई होगी? नहीं। काश सुमन का पता चल जाता, कम से कम माँ के सिर से कलंक तो मिट जाता। मैं कुछ समझा नहीं। कार्तिक जी, घर में सब यही मान रहे हैं कि सुमन माँ की वजह से गांव छोड़कर गई है। तो इसमें गलत ही क्या? क्या? छोड़ी। मैं एक मिनट में आता हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। हमें देखते ही कार्तिक जी ने फोन क्यों काट दिया? आखिर कौन था जिसे फोन पर वो हमारे सामने बात नहीं कर सकते थे? ये बात हमें जाननी ही होगी। हेलो, आप किसी से बात कर रही हैं तो कर लीजिए। वो दरअसल हमारा फोन खराब था और हमें दीदी से बात करनी थी, तो इसलिए हमने सोचा आप आपके फोन से कर ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए। जी लग रहा, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जी। कुछ तो जरूर है कार्तिक जी के मन में जिसे वो हम सबसे छुपा रहे हैं, नहीं तो सुमन के इस तरह गांव छोड़कर जाने के बाद भी वो इतने शांत कभी नहीं रह सकते। हमें कार्तिक जी पर नजर रखनी होगी, शायद सुमन का पता चल जाए।